मोहम्मद आसिम खान ये नहीं पब्लिश फिर आप लेते जाए नाम बैरिस्टर गौहर एन ए 10 से, फिर उमर अयूब खान एन ए 18, शुएब खान एन ए 23 मर्दान, फिर उसके बाद आपको बाबर अली खान एन ए 24, नूरुल हक कादरी साहब एन ए 27, शेर अफजल मरवत साहब पिशावर से एन ए 31, ये हाजी अकबर पीरजादा नबी अमीन साहब एडवोकेट एन ए 34 से, नियामत खान पी के 77 से, फिर कासिम अली शाह साहब पी के 81 से, पिशावर से कासिम अली शाह साहब, फिर कामरान बंगर साहब पी के 82 से, आसिम खान पिशावर पी के 84 से, जाफर खान खटक एडवोकेट पी के 86, दाऊद खान खटक पी के 87 से, परवेज खटक के मुकाबले में, ये परवेज खटक साहब के मुकाबले में है, मियाँ उमर खटक पी के 88 से, हनीफुल्ला खान ये भी वकील अहले से हैं पी के 89 से, फिर इरफानुल हक पी के 11 से, फिर डॉक्टर इशफाक मुनीर पी के 14 से, इम्तियाज़ खान एडवोकेट पी के 15 से, इब्राहिम खान पी के 16 से, सर ये कुछ आज़ाद खान मलक अब्दुल्ला शाह साहब पी के 18 से, लोअर दीर ये साजिद हुसैन तूरी साहब एन ए 37 से, शाहिद खान खटक एन ए 38 से, अली अमीन गंडापुर साहब अपने हलके से, तो इंशाल्लाह ये कुछ नाम जो है ना ये अभी मतलब जो पैनल हुए थे ये अनाउंस कर लिए रोज़ाना की बुनियाद पे, जिस तरह मतलब एक सौशाह साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जितने भी लोग आए हैं ये खान के वो वर्कर हैं जिनकी पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत है, और ये मेहनत जो है ना अभी ज़ाया हो रही है क्योंकि ये जो लीडरशिप है हमारा पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। हम मतलब एक उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आ जाए, इनको फेस करें, ये सारे जो इज्जतदार लोग हैं इनके पीछे 10-10, 20-20 हज़ार वोट है, आप लोग मतलब कि इस तरह के हरकतें करके ऐसे तो मतलब कि इलेक्शन नहीं होते, इन लोगों ने आगे जाके मतलब कि इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो लिहाजा मतलब कि मैं तो अपनी तरफ से जो है ना ये जो इनाम शुद्धा कैंडिडेट है उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और रोज़ाना की बुनियाद पे इंशाल्लाह कल जो है ना हम अपना वो पैनल करेंगे। आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया।